हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी आने वाला है क्रिसमस, और क्रिसमस के टाइम पे ख़ास तौर पे हम ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज बनने वाला है प्लम केक। इसके लिए एक बोल में डालेंगे 1/2 कप ऑरेंज जूस, इसके साथ ढेर सारा ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी डाल के हम इसे सोक करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद केक बेक करेंगे। तो केक बेक करने के लिए सबसे पहले पैन को प्रीहीट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बोल, इसमें डालेंगे 2 कप वनीला प्रीमिक्स। ये वनीला प्रीमिक्स है, और इसमें जाएगा 120 ग्राम पानी। ये दोनों को डाल के एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे बीट करेंगे। लम्ब्स फ्री बैटर बनाएंगे एकदम स्मूथ सा। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हो, बट ऑलरेडी ये यहाँ से ही मिक्स हो जाएगा इस स्पैचुला से बहुत ही अच्छे से, तो इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लोगे, एकदम रिवन कंसिस्टेंसी जैसी इसकी बैटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं उठा करके, ये देखिए, लुक एट दिस। तो केक की बैटर बनके तैयार हो चुकी है, और अब इसके अंदर जाएगा सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी। इन सबको इसमें डालेंगे, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लोग नॉर्मल जब केक का बैटर बनाते हैं तो वो थोड़ा सा इससे पतला होता है, बट आप जब प्लम केक बना रहे हो ना, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है नॉर्मल बैटर से। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो केक टिन मेरी पहले से ही रेडी है, ऑलरेडी मैंने इसमें बटर पेपर डाल के रखा है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केक टिन को ऑयल से ग्रीस करके मैदा की डस्टिंग कर दोगे तो आपकी केक टिन रेडी हो जाएगी। इसके बाद इसमें केक का बैटर डाल के 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। तो इसमें इस तरीके से हम डाल देंगे बैटर। थोड़ा सा टैप करना बहुत ज़रूरी है, कहीं पे अगर लम्स है तो सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर फिर से हम ढेर सारा ड्राई फ्रूट डालेंगे जो आपके घर में अवेलेबल है। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, टूटी फूटी भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने टूटी फूटी डालना भूल गई थी, बाद में मैंने ऐड किया। और अब चलेंगे गैस की तरफ। प्रीहीट पैन में इस केक टिन को डालेंगे, और डालने के बाद 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हो 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो 35 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे, इससे पहले हम इसे टच नहीं करेंगे। तो 35 मिनट के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, और चेक करने के लिए एक टूथपिक लेंगे, आप एक चाकू भी ले सकते हो। इसके सेंटर में डालेंगे, और यहाँ पे देखिए एकदम क्लीन निकल गई है मेरी टूथपिक। तो केक बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसे निकाल करके पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो डिमोल्ड करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नर पार्ट को हम अलग कर लेंगे चाकू से, इस तरीके से घुमाते हुए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से घुमाएंगे और कॉर्नर पार्ट को अलग करके इसके ऊपर डालेंगे एक प्लेट, और इसे फ्लिप कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे, और यहाँ पे मेरी यम्मी और फ्लफी केक बनके तैयार है। आप पीछे का भी टेक्सचर देख लो, सामने का भी, एकदम स्पॉन्जी और फ्लफी मेरी केक बनी है, कहीं भी क्रैक नहीं आया। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।